ये फंक्शन जो एक तरह का शोक फंक्शन होता है पूरे मुल्क में, इसको हम कमेमोरेशन डे के तौर पर मनाते हैं उन शहीद अफसर और साथियों को याद करने के लिए जिन्होंने आज से बहुत साल पहले एक दुश्मन की टुकड़ी का मुकाबला करते हुए लद्दाख के खित्ते में अपनी जान का निगराना पेश किया। ये 1959 की बात है, सीआरपी की एक बहुत छोटी टुकड़ी जब अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात थी, उसका दुश्मन की टुकड़ी के साथ मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में आखिरी दम तक और आखिरी गोली तक हर साथी ने फाइट किया और अपने मुल्क के लिए अपनी जान को निछावर किया। उस दिन की याद में पूरे मुल्क में आज के दिन को कमेमोरेशन डे परेड के तौर पे सेलिब्रेट करने की प्रथा शुरू हुई और वो प्रथा आज पूरे साल के दौरान जो सितंबर के महीने से लेकर के अगस्त के महीने तक जो साथी यूनिफॉर्म फोर्सेस के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर, सीपीओस के अंदर काम करते हैं, उनकी जहां जहां भी शहादतें मुल्क के अंदर होती हैं हम सब लोग मिल करके उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनकी कुर्बानी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की आहूति दी, अपने लोगों के लिए अपनी जान की आहूति दी और ऐद करते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की सलामती के लिए हम हर तरह की शहादत को कबूल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, अगर बात करें पिछले एक हफ्ते में दो बार इंटरनेशनल बार्डर एलएस पर फायरिंग, कल शाम को भी हुई, एक बीएसएफ जवान और आज एक आर्मी जवान की गाड़ी होने की खबर है, क्या जो आगे आने वाला मौसम है उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है? इन दोनों बातों को हम लोग अपनी जगह पे छानबीन कर रहे हैं। अर्निया में जो बीएसएफ का वाका हुआ और कुपवारा के बॉर्डर में जो आर्मी के जवान का वाका हुआ, उन दोनों की छानबीन अपनी अपनी जगह पे दोनों फोर्सेस कर रही हैं। पता चलेगा कि इसकी क्या वजह है, किस तरीके से ये वाका पेश आया, मगर जो ओवरऑल सीज़फायर अंडरस्टैंडिंग है वो सब जगह पे होल्ड करती है। कुल मिलाकर के हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी की ग्रिड बहुत अच्छे से मजबूत है। ये दो वाक्य थोड़े से हटके, अभी तक की जो रूटीन थी उससे हटके पेश आए हैं, इनकी छानबीन जारी है और इसकी डिटेल आने के बाद शेयर करेंगे। जिस तरह से आपने पांच बहादुर ऑफिसर्स जवानों एसपीओस की शहादत का जिक्र किया, पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा लंबी जो हमारी जंग, जो दहशतगर्दी की जंग हमारे पड़ोसी की तरफ से जहाँ पर थोपी गई, उसका डट के मुकाबला करते हुए हमारे 1605 बहादुर ऑफिसर जवानों ने अपनी जान की आहूति दी है, मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूं। और इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस जिसमें आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी और बाकी तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर सीएपीएफ काम करती हैं, उनके बहादुर जवान भी जो जहां पर काम करते हैं, जिनमें कुछ लोगों ने शहादत अपनी दी इस साल में, कल मनप्रीत आप जानते हैं, मेजर आशीष आप जानते हैं, डिप्टी एसपी हमायू भट्ट को आप जानते हैं और उनके साथ उनका जो साथी प्रदीप हमारा जो आर्मी का जवान था उसकी शहादत को भी आप जानते हैं, आठ जो लोग पुलिस के शहीद हुए उनका मैंने जिक्र किया है, मैं सबको अपनी तरफ से खराज की तरफ पेश करता हूँ। जित करने का सिलसिला है उसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहाँ सैकड़ों और हजारों की तादाद में बेगुनाह लोगों का दहशतगर्दी की जंग के अंदर खून हुआ, दहशतगर्दों में पाकिस्तान की एजेंसी के इशारे पर जिस तरीके से आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया, आज वो दिन बीते दिन हो गए हैं। आज लोग अपने एक फिर से अमन अमान के माहौल में जीने की जो चाहत रखते थे फिर से उस माहौल में लौटे हैं। आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, आज हमारे कारोबारी लोग सुरक्षित हैं, आज हमारा टूरिस्ट सुरक्षित है, हर आदमी जहाँ पर फिर से अमन के माहौल में सांस ले रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। इस माहौल तक पहुँचने के लिए
जो फोर्सेस ने काम किया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया है, मैं उसकी रज के सराहना करता हूं। और फिर से उन साथियों को जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते रहे मगर उसी काम के दौरान अपनी जान निशावर कर गए, मैं उनके सामने अपना सर झुकाता हूँ और उनको अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ। बहुत बड़ी नकेल इस वक्त कसी जा चुकी है। कुल मिलाकर के पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो 39 के करीब ऐसे केसेस नार्को टेररिज्म के हवाले से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए। उनकी तफ्तीश को आम तफ्तीश से हटके किया जा रहा है। बहुत सारे केस NIA के पास हैं, कुछ केस SIA के पास हैं, कुछ केस SIU कर रही है। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कामयाबी रामबन में हमें मिली जिसमें 30 किलो से ज़्यादा कोकीन की तरह का जो मादा है वो बरामद किया गया। उसकी तारें कुपवाड़ा से जुड़ी, पंजाब से जुड़ी, अब उत्तराखंड तक पहुंच गई हैं। तो जो जो आदमी उसमें आगे या पीछे की तरफ दोनों तरफ इन्वॉल्व है हमने सबको पकड़ लिया है। उस केस की तफ्तीश जारी है। नार्को टेररिज्म का